इसी घर में रहते हैं बॉलीवुड के अभिनेता नाना पाटेकर जी। अभी हम आपको इनके घर के अंदर का भी वीडियो दिखाएंगे जिस फ्लैट में ये रहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फाइनली हम भी आ चुके हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में, और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं बॉलीवुड के माने जाने सुपरस्टार अभिनेता नाना पाटेकर जी का घर। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि नाना पाटेकर जी का घर दिखाइए, कि वो मुंबई में कहां पर रहते हैं, उनका घर कैसा है, उनके घर के अंदर का भी वीडियो दिखाइए। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के मनोकामनाओं को पूरा करने जा रहे हैं। हम आज की इस वीडियो में उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं और साथ साथ में उनके घर के अंदर का भी इंटीरियर और वीडियो दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज के ज़माने में नाना पाटेकर जी को कौन नहीं जानता होगा। हर एक मूवी में उन्होंने अपने डायलॉग को लेकर फेमस हुए हैं, और तिरंगा सहित ऐसी कई सारी धमाल कमाल करने वाली मूवी आई है जिसमें उन्होंने अपना पूरा अभिनय किया है, और वो फिल्म जो है ना बहुत ही धमाल भी मचाई है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उनके नेटवर्थ के बारे में सब कुछ बताएंगे, उनके घर को दिखाएंगे। तो अभी हमारे पीछे आप लोग जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये द अटलांटिस बिल्डिंग है जिसमें कृति सेनन का और सनी लियोनी का घर है। तो चलिए अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि नाना पाटेकर का घर कहाँ पर है, कैसा है, सब कुछ दिखाते हैं और बताते भी हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हम थोड़ा सा आपको एड्रेस के बारे में भी बताते चले। देखिए, द अटलांटिस बिल्डिंग इधर आगे है, देखिए वो दिख रही है। आगे से जाके आपको थोड़ा सा लेफ्ट जाना है, अटलांटिस बिल्डिंग आएगी, उससे आपको सीधा आगे आना है तो मर्सिडीज बेंज का आपको शोरूम देखने को मिलेगा। ये शोरूम है मर्सिडीज बेंज का, इससे हमें आगे जाना है, और आगे जो चौक पड़ेगा ना उस चौक से हमें लेफ्ट हो जाना है, और वहीं पे नाना पाटेकर जी का वो घर है जहां पर वो रहते हैं। तो हम आपको ना पूरा एड्रेस सहित इसको दिखाएंगे, ताकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर आप एड्रेस पूरा फुल नहीं बताते हो। तो मैं आपको दिखाता भी चलूँ, चौक का नाम भी बताता चलूँ, कि फ्यूचर में अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो आराम से आ सको, आपको हमारी तरफ भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए फिलहाल आगे चलते हैं और चौक से फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाते चलें कि कौन सा चौक है। तो अभी हम जब चौक पर पहुँचेंगे तो वहाँ से फिर वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो गाइज, फाइनली हम उस चौक पर पहुँच चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है समर्थ प्रसाद बिल्डिंग, और ये कुछ चौक पे ये बना हुआ है, और इस तरह का चौक है, आप लोग देख सकते हैं। इस चौक का नाम है इंद्रलोक लोखंडवाला चौक। तो इस चौक से हमें फिर लेफ्ट चलना है, तो चलिए लेफ्ट चलते हैं और डायरेक्ट अब बिल्डिंग के पास चल के हम आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग नाना पाटेकर जी के बिल्डिंग के पास पहुँच चुके हैं। स्क्रीन पर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, इस बिल्डिंग का, इसी में नाना पाटेकर जी रहते हैं। नाना पाटेकर के पास मुंबई के इसी अंधेरी इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट है जो कि 750 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, यानी 1 BHK फ्लैट है, और यह फ्लैट उन्होंने 90 के दशक में 1.10 लाख में ख़रीदा था। हालांकि आज के टाइम में इस फ्लैट की कीमत ना करीब 9 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो आप लोग जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ऊपर जहाँ पे गमले और फूल लगाए गए हैं, उसी फ्लैट में नाना पाटेकर जी रहते हैं। दोस्तों, नाना पाटेकर ना बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, और वो इसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर अपना फ्लैट लिए हैं, और मुंबई में वो इसी घर में रहते हैं। तो आप लोग बाहर से थोड़ा देख सकते हैं किस प्रकार का गेट है, और ये बिल्डिंग में जहाँ पे उनका फ्लैट है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अंधेरी में पड़ता है, मैंने आपको एड्रेस भी बता दिया है। तो देखिए, इन्होंने अपने जंगले के पास पूरा गमले लगा के, ग्रीनरी लगा के उसको घेर दिए हैं। नीचे यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की गई हैं, और इस तरह से दिखता है नाना पाटेकर जी का यह बिल्डिंग जहाँ पे ये रहते हैं। अभी देखिए, जो 4th मंजिल है जहाँ पे फूल वगैरह लगाया गया है, ग्रीनरी है, वही नाना पाटेकर जी का फ्लैट है। यहाँ मैं आपको एक वीडियो दिखा दूँ, देखिए नाना पाटेकर जी इसी बिल्डिंग के अपने फ्लैट में किचन रूम में है, जहाँ पर वो कुछ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक छोटा सा बच्चा भी है। तो ये है इनका इसी बिल्डिंग का किचन, जहाँ पे ये अपना खाना वगैरह बनाते हैं। तो देख सकते हैं, एकदम साधारण और सिंपल तरह का किचन भी है, जैसे कि नाना पाटेकर जी हैं। इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं, ये जो वीडियो है, सिंदे सर नाना पाटेकर जी के फार्म हाउस पे पहुँचे हुए हैं, और वहीं पर ये डिनर वगैरह सब किए थे। ये फार्म हाउस का नज़ारा है। जो आप लोग ये इनसाइड तस्वीरें देख रहे हैं नाना पाटेकर जी का, ये इनके इसी घर के अंदर का नज़ारा है, जहाँ पर ये चेयर पे बैठे हुए हैं।
और फिर देखिए यहाँ पर ये अनिल कपूर के साथ मिल रहे हैं और इनके पीछे का जो दीवारों पर यहाँ पर सजाया गया है, पेंटिंग लगाई गई है और उनको जो भी सम्मान मिले हैं उसको उन्होंने लगाया है। तो देखिए ये इंटीरियर है इनके घर के अंदर का, यहाँ भी नज़ारा देखिए, जो दीवार है एकदम वाइट कलर की है और ये बाहर का नज़ारा है उनके घर के नीचे का, और ये भी उनके रूम का ही नज़ारा है जहाँ पर फोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो बहुत ही शांत माहौल से इसको बनाया और सजाया गया है। तो देखिए ये भी इनके मुंबई वाले इसी घर के अंदर का है, इनके बेडरूम का, और बाहर ये बुक वुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे टेबल वगैरह इनका रखा रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये इनका जो फार्म हाउस है वहाँ का है। इनका फार्म हाउस कहाँ है अभी हम बताएंगे, बहुत ही बड़ा फार्म हाउस है। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं नाना पाटेकर जी यहाँ के मुख्यमंत्री जो है शिंदे सर उनके साथ यहाँ पर लंच कर रहे हैं अपने फार्म हाउस पर। नाना पाटेकर जी का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुद जंजीरा में हुआ था। इनका बचपन जो है ना वो बहुत ही कठिनाइयों के साथ बीता था। नाना पाटेकर का पूरा नाम विश्वनाथ पाटेकर है। इनके माता पिता का नाम दिनकर पाटेकर और संजना बाई पाटेकर है और इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नाना पाटेकर जी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है क्योंकि इनके पिता 28 वर्ष के जब थे तो उनका निधन हो गया था। उन्होंने 27 साल की उम्र में अपनी पत्नी नीलकांति से शादी की लेकिन बाद में वो लोग भी अलग हो गए। नाना पाटेकर जी का एक बेटा है जिसका नाम है मल्हार पाटेकर और वो अपने इसी घर में नाना पाटेकर जी के साथ मुंबई के अंधेरी में 1 BHK अपार्टमेंट में रहते हैं। और अगर इनके बेटे के नेटवर्थ के बारे में बता दें तो उनका टोटल नेटवर्थ करीब 42 करोड़ रुपए है और नाना पाटेकर जी का 80 करोड़ का नेटवर्थ है और इनके पास गाड़ियां भी लग्जरी हैं। नाना पाटेकर के पास 81 लाख रुपए की कीमत की ऑडी Q7 कार है और इसके अलावा उनके पास 10 लाख की एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और 1.5 लाख की कीमत की रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 भी है। नाना पाटेकर ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म गमन से की थी लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें फिल्म परिंदा से नोटिस किया गया जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका अदा की थी। इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया, जैसे कि क्रांतिवीर, खामोशी, यशवंत, अब तक 56, अपहरण, वेलकम, राजनीति उनकी प्रमुख फिल्मों में से एक है। इस बिल्डिंग का नाम है शीतल अपार्टमेंट 304 और यही इस बिल्डिंग का मेन गेट है। आप लोग देख सकते हैं इसी के रास्ते से एंट्री भी होती है और लोग बाहर भी आते हैं। दोस्तों नाना पाटेकर के पास देश में कई संपत्तियां हैं लेकिन वह इसी अंधेरी के 1 BHK फ्लैट में रहते हैं जिसे वह पहले अपनी माँ के साथ रहा करते थे। नाना पाटेकर के पास पुणे के नज़दीक खड़कवासला में करीब 27 एकड़ में एक फैला हुआ शानदार फार्म हाउस भी है जहाँ पर वह अधिकतर मतलब आराम करने के लिए जाया करते हैं। डायरेक्टर संगीत सिवान की 2008 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द पावर ऑफ वन की शूटिंग भी नाना पाटेकर जी के इसी फार्म हाउस पर किया गया था। पुणे में जहाँ पर उनका फार्म हाउस है ना वहाँ पर वो धान, गेहूँ और चना की खेती भी करते हैं। नाना पाटेकर के इस फार्म हाउस में 7 कमरों के अलावा एक बहुत ही बड़ा सा हॉल भी है। इसमें नाना की रुचियों के मुताबिक सिंपल वुडन फर्नीचर और टेराकोटा फ्लोर है। नाना के इस फार्म हाउस की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है। नाना ने अपने घर के हर एक कमरे को अपनी बेसिक स्टाइल और ज़रूरत के मुताबिक सजाया है। इसके अलावा घर के आसपास कई तरह के पौधे भी लगाए गए हैं और फार्म हाउस में बड़ी संख्या में दुधारू गाय भैंसे भी नाना पाटेकर जी ने पाल रखी है। तो ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं ना इसी में मुंबई में जब वो आते हैं तो इसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर ठहरते हैं। ये 4th पूरा मंजिला उन्हीं का है, नाना पाटेकर जी का। इस बिल्डिंग का नाम है शीतल जो कि मुंबई के अंधेरी में स्थित है। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ये नाना पाटेकर जी के फार्म हाउस का वीडियो है जहाँ पर ये खुद सब्जी वगैरह बनाकर लोगों में खाना वितरण कर रहे हैं और सभी के साथ बहुत ही प्रेम भाव से नाना पाटेकर जी रहते हैं। तो देखिए ये थाली में सबको अपने हाथ से परोस के दे रहे हैं। अभी आपको पूरा फार्म हाउस का नज़ारा यहाँ से देखने को मिलेगा। तो यही है उनका फार्म हाउस, देखिए कितने लोग यहाँ पर आए हैं और सबको नाना पाटेकर जी खाना बनाकर खिलवा रहे हैं और इन्होंने किसानों की भी मदद की है और एक तरह से कह लीजिए तो सबके मसीहा हैं।
जो कि इसी बिल्डिंग के फ्लैट में रहते हैं। गाइस सभी लोगों का यहाँ पे डिमांड आ रहा था कि नाना पाटेकर जी का घर दिखाइए, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इनके घर का नज़ारा दिखा दिया है और थोड़ा सा इनसाइड व्यू फोटो वगैरह वीडियो भी लगा दिया हूँ कि घर का नज़ारा कैसे है। तो यही है उनका घर। उम्मीद करूँगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।